और एक और बड़ी खबर, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार और मुंबई चैरिटी कमिश्नर को यह नोटिस जारी किया गया। बिना अनुमति के जमीन बेचने का मामला है, 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा गया है। तो हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। जी मीडिया संवाददाता सुशील कौशिक फोन लाइन पर मौजूद है। सुशील, किस बाबत ये नोटिस जारी किया गया, तफसील से बताएं। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के एक कौशलेंद्र सिंह घुरैया नाम के शख्स थे, जिन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में ये कहा गया था कि सिंधिया ट्रस्ट के द्वारा बिना अनुमति के जो जमीन है वो जमीन बेची जा रही है, इस तरह के आरोप लगाए थे। और उसके बाद इसी मामले की सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सिंधिया ट्रस्ट, इसके अलावा मुंबई चैरिटी कमिश्नर और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है इस मामले में, और 2 सप्ताह के अंदर इन लोगों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि पहले भी सिंधिया ट्रस्ट आरोपों को घेरे में रहा है, तो कुल मिलाकर ये है कि ये एक और नया आरोप है सिंधिया ट्रस्ट के ऊपर, और जो हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ने अब नोटिस जारी किया है। 2 सप्ताह के बाद सिंधिया ट्रस्ट, मध्य प्रदेश सरकार और मुंबई चैरिटी कमिश्नर को इस मामले में जवाब दाखिल करना होगा। तो 2 सप्ताह का वक्त जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है। शुक्रिया सुशील।